अभी हाल ही में मैं एडीआर की रिपोर्ट पढ़ रहा था और इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बड़ा आश्चर्यचकित हुए। मतलब आप सोचिए, बड़ा बुरा लगा कि आपने ये तो पढ़ा होगा कि आपके जो विधायक हैं या लोकसभा सदस्य हैं, इनमें से आधे आधे से अधिक आपके या तो वो रहते हैं जिन पर हत्या का मामला होता है, बलात्कार का मामला होता है, चोरी डकैती का मामला होता है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि जो मोदी कैबिनेट का गठन हुआ है अभी 2 दिन पहले ही, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 42% यानी कि 42% मंत्री आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं। आप समझिए कि वो मंत्रालय वो चलाएंगे, वो आपके लिए कानून बनाएंगे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा आप भी सोच सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक परंपरा बन चुकी है, इसके लिए आप लोग परंपरा शब्द लगा सकते हैं, परसेप्शन इस तरह का कोई और शब्द हो उसे भी आप लोग लगा सकते हैं, कि अगर आप लोग दो चार मर्डर नहीं करते हैं, आप पर दो चार हत्याओं का केस अगर नहीं लगता है, अगर इस तरह के आप आपराधिक मामलों में आप लोग संलिप्त नहीं होते हैं, तो आप अच्छे नेता नहीं बन सकते हैं। ये हमारे देश की परंपरा बन चुकी है और इसीलिए आप देखते हैं कि एक ईमानदार चुनाव लड़ता है तो वो चुनाव हार जाता है, और वहीं एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो चुनाव जीत जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे देश की क्या हाल व्यवस्था बनी हुई है, और ये आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिलता रहेगा। आप देखते हैं कि हम लोग जब राफेल खरीदते हैं फ्रांस से, देख लीजिए यह है फ्रांस, तो हम लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं। मुझे लगता है कि हमें खुशियां तो उस दिन मनानी चाहिए जिस दिन हम लोग राफेल से भी तगड़े हथियार बना रहे होंगे, और ये हथियार तभी बना रहे होंगे हम लोग जब हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी, हमारी पॉलिटिक्स जो है ये काम करेगी, काम के नाम पर एक तरह से वोट पड़ेंगे। अभी तो आप देखिए भारत की आपकी राजनीति की ये हालत हो चुकी है कि यहाँ आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ बातों से ही आपको वोट मिल जाते हैं। खैर छोड़िए, एक कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग देखेंगे इसके बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में बता देता हूँ कुछ आपको पॉइंट, और क्योंकि अब आंसर राइटिंग है आप लोग कहीं लिखते हैं इस तरह की पॉइंट, तो वहाँ आप लोग इन्हें जोड़ भी सकते हैं। और वैसे भी आप अगर भारत में रह रहे, इतने बड़े लोकतंत्र में रह रहे हैं, तब भी आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसे एडीआर का पूरा नाम है, और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, और इसका मुख्यालय आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं भारत है हमारा, और यहाँ आपको दिल्ली राजधानी देखने को मिलेगा। उसके बाद आप एक और बात आपने देखी होगी, उत्तर प्रदेश में अभी कुछ ही समय पहले आपके चुनाव हुए हैं, स्थानीय पंचायतों के, जिला पंचायत के, ब्लॉक पंचायतों के, जो भी ब्लॉक अध्यक्ष बनते हैं, उसमें आपने देखा किस तरह से, आप कह सकते हैं जो भी आपको शब्द लगाना है अपने हिसाब से कर सकते हैं, इस तरह का हम लोग व्यवस्था आपने देखा होगा कि हम लोग मूवियों में देखा करते थे कि पर्चा ना भरने देना, या फिर आप समझ सकते हैं कि एक तरह से अपहरण कर लेना किसी का, बूथ कैप्चरिंग कर लेना, फॉर्म ना डालने देना। लेकिन इस तरह की घटनाएं आम बात हो चुकी हैं, लेकिन दो घटनाएं आप लोगों ने देखी होगी, महिलाओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है, वो आप कहिए कि एक तरह से चुभने वाली तस्वीरें थी, कि मतलब आप समझिए कि अगर हम कर्ता धरता है और राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं, तो हम अपने घर में परिवार में किस तरह से उस बात को रख सकते हैं, कि मतलब आप सोचिए कि हम फिर भी उन लोगों का साथ दें जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और उसकी उससे बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं, आप समझिए कि जिन्हें प्रतिनिधित्व करना चाहिए, वो चुप हैं क्योंकि उन्हें पार्टियों से टिकट चाहिए, अगर वो बोलें तो उन पर या तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा या अगली बार उन्हें टिकट ना दिया जाए। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश से ही बता दूं कि 4 यूपी से आपको कैबिनेट मंत्री में, मतलब केंद्र में मंत्री देखने को मिलेगी, महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं, 11 महिला सांसद देखने को मिलेंगी, 40 के करीब आप देखेंगे विधायक देखने को मिलेंगे, महिला विधायक, यूपी की बात कर रहा हूं, आपको महिला आयोग देखने को मिलेगा,
लेकिन फिर भी आपने देखा है कि सब कुछ चुप है, कोई उसमें नहीं बोला है। तो देखिए, इस समय का भी मुझे लगता है कि इतिहास लिखा जाएगा, उसमें किस तरह से इतिहास लिखा जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं 1857 में आपने देखा होगा, 1857 58 देखा कहाँ होगा, पढ़ा ही होगा। तो दो कहानियों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वहां दो पात्र के बारे में सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। एक तो आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और एक आप सिंधिया के बारे में। आप सभी जानते हैं कि स्पेशल इतिहास की कोई बुक्स उठा के आप लोग देखिए, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई देशभक्त थी, सिंधिया गद्दार था। इसे मुझे नहीं लगता है कि इतिहास में कभी कोई बदल पाएगा। आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में भी पढ़ते रहेंगे। आप लोग जाइए भगत सिंह से सुखदेव राजगुरु के समय चले जाइए। आप सभी ने देखा है कि उस समय इन्हें आतंकवादी देशद्रोही कहा जाता था, लेकिन आज हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये है। और याद रखिए, इस तरह से आप मतलब इतना प्रवचन नहीं दे रहा हूं, इतना समझ ली कि जिए कि अगर इस तरह की महिलाओं के कोई कपड़े खींच रहा है और इन्हें अगर आप बढ़ावा मिलता रहा, तो कल इस जगह हमारी आपकी परिवार की महिलाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि उनके बुलंद हौसले बुलंद होते जाएंगे। समझ रहे हैं? और चुप होने का हमें भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, खैर छोड़ दीजिए, अंधों के शहर में कहाँ तक मतलब जो भी है, अब चल लीजिएगा। वो भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, महाभारत आप लोगों ने देखा होगा अच्छे से। तो उसमें धृतराष्ट्र तो अंधा था, लेकिन आज हम लोग कैसे हैं, अकल के अंधे हैं कि कैसे हैं, आप लोग खुद सोचिएगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार के बाद सामने आए 78 मंत्रियों की मंत्रिपरिषद अब तक की सबसे युवा और सबसे ज्यादा शिक्षित है। याद रखिए, जो मंत्रिमंडल अभी गठन हुआ है, जो मंत्री चुने गए हैं, इसमें सबसे युवा हैं और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन आप देखेंगे दूसरी तरफ आपराधिक मुकदमों के दाग इस मंत्रिमंडल के दामन में कम नहीं है। यानी कि आप देखेंगे कि पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, लेकिन इन पर मुकदमे भी, आप लोग आपराधिक मुकदमे भी देखने को मिलेंगे। देखिए, आजकल आप देखते हैं कि बड़े कुतर्क दिए जाते हैं, सीधी सी बात, कि क्या कांग्रेस के समय नहीं होते थे, अखिलेश के समय इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है, चाहे सापा हो या फिर आप देखिए कांग्रेस हो। कांग्रेस की कितनी खस्ता हालत हो चुकी है आप सभी जानते हैं। और हम आप सोचिए कि आपने इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप भी कांग्रेस जैसा ही हाल करिए। हमें प्रधानमंत्री साहब पर बहुत भरोसा था, समझ रहे हैं आप लोग, कि किस तरह से उन्होंने सपने दिखाए थे और बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। समझ रहे हैं आप? स्वच्छ भारत अभियान को ले लीजिए, उज्ज्वला योजना को ले लीजिए, जनधन खाते को ले लीजिए। आप लोग नए मंत्रिमंडल के 42% चेहरे आपराधिक मामले का सामना कर रहे हैं, यानी कि इन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कितने? 42%। और यह दावा नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में किया है। हालांकि रिपोर्ट यह भी कहा गया है कि पहली बार देश के हर कोने को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला है। ये अच्छी बात है, हर जगह से मैं तो कहता हूं आना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि मंत्री उस समय का लोकल मंत्री ही जान सकता है कि वहां की क्या समस्या है और उसका किस तरह से समाधान हो सकता है। सभी मंत्रियों के शपथ पत्रों के विश्लेषण के बाद जारी रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रिपरिषद के 78 में से 33 मंत्री मंत्री यानी कि आप देखेंगे कुल 42% में ने अपने ऊपर आपराधिक मामले होने की बात स्वीकारी भी है। ऐसा नहीं कि कोई उन पर दोष लगा रहा हो, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है। और इनमें आप देखेंगे 24 मंत्री यानी कि 31% के ऊपर गंभीर किस्म के मामले हैं। गंभीर आप समझते हैं? आप देखते हैं कि जब डॉक्टर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो कहता है कि गंभीर हालत में है, तो ऐसे गंभीर इन पर किस्म के मामले हैं।
और इन मामलों में आप देखेंगे हत्या, हत्या का प्रयास, लूट लूट जैसे संगीन अपराध देखने को मिलेंगे। और पश्चिम बंगाल की अलीपुर द्वार से सांसद व अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बरला पर 24 गंभीर किस्म की धाराएं और 9 मामले और 38 अन्य मामले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका रिकॉर्ड क्या रहा होगा। कूच बिहार के सांसद और गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक पर 11 मामले, 21 गंभीर किस्म की धाराओं के हैं। और वित्त राज्य मंत्री बनाए गए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी पर हत्या के प्रयास के कुल 5 मामले दर्ज किए गए हैं। और एक आप लोग बात समझ लीजिए, एक को केवल बीजेपी की हालत नहीं है, हर पार्टी में आप लोगों को इस तरह के लोग देखने को मिल जाएंगे। यानी कि हम अपनी गलती मान रहे हैं हम लोग, कि आम जनता की गलती है कि आप लोग चुन कैसे लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट के 5 मंत्रियों पर सांप्रदायिकता फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप भी है। और ये आम बात बन चुकी है चुनाव जीतने के लिए कि सांप्रदायिक दंगे करवाना, धार्मिक भावनाएं भड़काना। इनमें आप देखें कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाने और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल है आपके। वहीं आप देखेंगे नितिन गडकरी समेत 7 मंत्रियों पर चुनाव के दौरान अवैध ढंग से आर्थिक फायदा लेने का आरोप भी लगा हुआ है। बड़े बड़े मंत्री आप सोचिए चपेट में है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 78 में से 70 मंत्री करोड़पति हैं। 78 में से 70 मंत्री करोड़पति हैं, यानी कि करोड़ों की मालिक हैं, जो मोदी मंत्रिमंडल का 90% हिस्सा है। इनमें 4 मंत्री की संपत्ति आप देखेंगे 50 करोड़ से अधिक है। और सबसे ज्यादा 379 करोड़ रुपए की संपत्ति राजघराने से संबंध रखने वाले जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पास है। और आप सभी जानते हैं कि इन्हें इनाम मिला हुआ है, क्योंकि कुछ समय पहले इन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरा के शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया था। कुछ विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल की कुछ संपत्ति की बात करें तो 95 करोड़ देखने को मिलेगी। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे के नाम पर आप देखेंगे 87 करोड़ से ज्यादा की देखने को मिलेगी। जबकि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव शेखर के नाम पर आप देखेंगे 64 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति देखने को मिलेगी। कुछ गरीब मंत्री भी हैं, इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। प्रतिमा भौमिक, 8 मंत्रियों की संपत्ति 1 करोड़ से भी कम देखने को मिलेगी, जिनमें आप देख सकते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक के नाम पर आप देखेंगे महज 6 लाख रुपए की कुल संपत्ति है। उन्हें सबसे गरीब मंत्री भी कहा जा सकता है। और जॉन बरला के नाम पर आप देखेंगे 14 लाख की, और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के नाम पर आप देखेंगे 24 लाख की कुल संपत्ति देखने को मिलेगी। तो ये कुछ गरीब मंत्री भी हैं, हो सकता है कि ये आगे जाके करोड़पति बन जाए। अगर हम लोग शिक्षित की बात करें तो आप देखेंगे इस कैबिनेट में केवल 12 मंत्री, यानी कि 15% शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 से 12 के बीच है। कितना? केवल 12 मंत्री, जबकि 64 मंत्री यानी कि करीब 82% स्नातक और उससे अधिक योग्यता रखते हैं। इसमें से 2 मंत्री की बात करें तो डिप्लोमा धारक हैं और 17 मंत्री स्नातक भी हैं, और अन्य 17 के पास प्रोफेशनल स्नातक भी डिग्री है, और 21 मंत्री परा स्नातक और 9 डॉक्टर भी हैं, यानी कि पढ़े लिखी भी है। अब देखिए किस तरह से इसका फायदा होता है पढ़े लिखों का या नहीं होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, दूध का धुला कोई भी पार्टी नहीं है, अभी की बात कर रहा हूं, ठीक है? और उनकी बाल्टियों की छुड़ी हम लोग खुद दूध के धुले नहीं है। अगर कोई ईमानदार हमारे बीच में आके कहे कि हम इतना काम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हम उसे वोट नहीं देते हैं। हम लोग देखते हैं कि कौन गुंडा है, कौन हत्यारा है, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपराधिक बैकग्राउंड है, उसी को हम लोग चुनते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। भगवान भरोसे चल रहा है, चलने दीजिए। तो यहाँ हम लोग किसी की बुराई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम में ही कमी है तो हम लोग बुराई कैसे कर सकते हैं। खैर छोड़िए, इस रिपोर्ट को मुझे अभी पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि बताना चाहिए आप लोगों को।
आप लोगों को भी तो मालूम होना चाहिए कि आपके देश में ये सब चल रहा है, और इस तरह की रिपोर्टों के बारे में पढ़ते रहा करिएगा, ठीक है।